The summer season. The summer season being from the month of April and leads up to the end of June. अप्रैल के महीने से गर्मियों का मौसम शुरू होता है और जून तक रहता है. द सन साइन एट द ब्राइटेस्ट एंड देयर इन इंटेंस हीट. सूर्य अपने सबसे तेज और तीव्र ताप पर चमकता है. पीपुल प्रिस्पेयर ओवर. लोगों के ऊपर पसीना आता है. इन द डे हॉट विंड्स In the day, hot winds can blow and many people die of the heaters. Die of the heat stroke. People die of heat stroke. लोगों के ऊपर पसीना आता है. दिन में गर्म हवाएं जिन्हें लू झटका और कई लोग हीट स्ट्रोक कहते हैं. People like to wear their white clothes. लोग सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं. कुर्ताज ऑफ कॉटन आर द पॉपुलर आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग इन दिस सीजन. सूती कपड़े इस मौसम में कपड़ों में लोकप्रिय हैं. While at home, people like to रिमेन हाफ नकेड. घर पे रहते हुए लोग आधे कपड़े पहनना पसंद करते हैं. द वेल टू डू यूज इलेक्ट्रिक फैंस एंड कूलर देयर रूम्स विथ इलेक्ट्रिक कूलर्स. अच्छी तरह से बिजली के पंखों का उपयोग करते हैं और अपने कमरों को इलेक्ट्रिक कूलर से ठंडा करते हैं. द सीजन मेक पीपुल लेजी. इस मौसम में लोगों को यह मौसम लोगों को आलसी बनाता है. पीपुल डू नॉट लाइक टू वर्क. लोग काम करना पसंद नहीं करते. हेंस ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर क्लोज ड्यूरिंग दिस मंथ. पसंद नहीं करते इसलिए इस महीने के दौरान सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं. मेलन्स वाटरमेलन्स कुकुम्बर इटीसी आर द स्पेशल फ्रूट ऑफ द सीजन. खरबूज तरबूज ककड़ी इस मौसम के विशेष फल हैं. द रेनी सीजन स्टार्ट्स इन जून. जून में वर्षा ऋतु शुरू होती है. सम प्लेसेस इज स्टार्ट इन जुलाई एंड कंटिन्यूस अप टू सेप्टेम्बर. कुछ स्थानों पर यह जुलाई में शुरू होती है और सितंबर तक जारी रहती है. इन दिस सीजन द इंटायर कंट्री कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून विंड्स. इस मौसम में पूरा देश मानसूनी हवाओं के प्रभाव में आ जाता है. ये हवाएं निकटवर्ती दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम द एडजॉइनिंग सीज टूवर्ड्स द लैंड. इस मौसम में पूरा देश क्या होता है, मानसूनी हवाओं के प्रभाव में आ जाता है. ये हवाएं निकटवर्ती समुद्र से भूमि की ओर बहती है. ए मानसून विंड्स आर फुल ऑफ मॉइस्चर. दे केस रेनफॉल इन द कंट्री. मानसूनी हवाएं नमी से भरी होती हैं. वे देश में वर्षा का कारण बनती है. द मालबार कास्ट इज द फर्स्ट टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द मानसून. मालबार तट मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला शहर है. बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेस ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जुलाई के मध्य तक मानसून देश के लगभग सभी हिस्सों में पहुंच जाता है. मानसून रेनफॉल इज अकम्पेंड
बाय थंडर एंड लाइटिंग। मानसून वर्षा गरज और बिजली के साथ होती है। द वेस्टर्न कोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिसीव हैवी रेनफॉल। मानसून पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा होती है। एस द मानसून एडवांसेस इट लॉस इट्स मॉइस्चर। और मानसून क्या के आगे बढ़ने से अपनी नमी खो देती है। सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस टूवर्ड्स द इंटीरियर। तो वर्षा की मात्रा क्या होती है इंटीरियर की ओर कम होती है। वर्षा की जो मात्रा होती है क्या होती है मानसून के आगे बढ़ने से अपनी नमी खो देती है। तो वर्षा की मात्रा इंटीरियर की ओर कम हो जाती है। राजस्थान रन ऑफ कच्छ डेक्कन प्लेट्यू एंड कोरोमंडल कॉस रिमेन ऑलमोस्ट ड्राई ड्यूरिंग दिस सीजन। राजस्थान कच्छ कारण डक्कन का पठार और कोरोमंडल तट इस मौसम में लगभग शुष्क रहते हैं। आफ्टर द रेनी सीजन द मानसून बिगिंस टू रिट्रीट। बारिश के मौसम के बाद मानसून पीछे हटने लगता है। ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर देयर इज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन हॉट एंड हमीद रेनी सीजन एंड ड्राई विंटर सीजन। अक्टूबर और नवंबर के दौरान गर्म और आर्द्र बारिश के मौसम और शुष्क सर्दियों के मौसम के बीच संक्रमण की अवधि होती है। द विंटर सीजन स्टार्ट्स इन नवंबर एंड लास्ट टिल फरवरी। सर्दियों का मौसम नवंबर में शुरू होता है और फरवरी तक चलता है। ड्यूरिंग द सीजन्स डे एंड नाइट आर कोल्ड इन नॉर्थन इंडिया। इस मौसम के दौरान उत्तरी भारत में दिन और रात ठंडी होती है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। दिसंबर और जनवरी साल के सबसे ठंडे महीने होते हैं। द कोस्टल एरिया हाउएवर रिमेन इक्वेबल। तटीय क्षेत्र हालांकि बराबर रहते हैं। माउंटेन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं बेहद ठंडे रहते हैं। दिस इज द हेल्थीस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यह वर्ष का सबसे स्वास्थ्यप्रद हिस्सा है। डाइजेशन इज गुड ड्यूरिंग दिस मंथ एंड पीपुल फील एक्टिव एंड लाइक टू वर्क। इस महीने के दौरान पाचन अच्छा होता है और लोग सक्रिय महसूस करते हैं एंड लाइक टू वर्क और काम करना पसंद करते हैं। वूलन क्लॉथ सूट पुल ओवर ETC। ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े सूट पुलोवर आदि का उपयोग करते हैं। आर यूज टू कीप ऑफ द कोल्ड। किससे बचने के लिए ठंड से बचने के लिए लोग किसका उपयोग करते हैं पुलोवर और स्वेटर का उपयोग करते हैं। द पीपुल लाइक टू बास्क इन द सन इन द डे एंड टू वार्म देम स्लीप्स बाय द फायर इन द इवनिंग एंड नाइट। लोग दिन में धूप में बैठने और शाम और रात में आग से खुद को गर्म करना पसंद करते हैं। दोस हु कैन एफोर्ड यूज इलेक्ट्रिक हीटर्स टू हीट देयर रूम। जो लोग खर्च कर सकते हैं वो अपने कमरे को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग करते हैं। दिस इज द सीजन ऑफ प्लेंटी। कैसा सीजन होता है ये प्लेंटी सीजन होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रो इन एबोंडेंस एंड इवन द पुअर कैन ईट देम एज दे आर चीप। बड़ी संख्या में सब्जियां और फल प्रचुर मात्रा में उगते हैं और गरीब भी इन्हें सस्ते में खा सकते हैं। द विंटर सीजन इज वेरी गुड फॉर
टावर्स, सॉरी टूरिस्ट टावर्स जिसको बोलते हैं, देश के पूरे दराज में के हिस्सों में भी क्या होता है, सॉरी खा सकते हैं। सर्दियों का मौसम पर्यटक के लिए बहुत अच्छा होता है, द विंटर सीजन इज ए वेरी गुड फॉर टूअर्स। क्या होता है, सर्दियों का मौसम जो होता है वो किसके लिए, पर्यटकों के लिए अच्छा होता है। एजुकेशनल टावर्स आर टेकन आउट इन लार्ज नंबर इवन टू द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के दूरदराज के हिस्सों में भी शैक्षिक भ्रमण बड़ी संख्या में किए जाते हैं, लोग भी दर्शन के लिए बाहर जाना पसंद कर, पीपुल ऑल्सो लाइक टू गो आउट फॉर साइट सीइंग। लोग किसके लिए, दर्शन करने के लिए भी बाहर जाना पसंद करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स विजिट आवर फॉरेनर्स विजिट आवर कंट्री ड्यूरिंग द विंटर मंथ। बड़ी संख्या में विदेशी जाड़े के मौसम में हमारे देश में घूमने आते हैं। ड्राई फ्रूट्स रिवरी एंड रेवड़ी और गजक एंड द डिलीशियस स्पेशल टू दिस सीजन। ड्राई फ्रूट्स रेवड़ी और गजक इस मौसम के विशेष व्यंजन है। द विंटर सीजन इज जनरली ड्राई। सर्दियों का मौसम आमतौर पर शुष्क होता है। देर इज ए सम रेनफॉल इन दिसंबर जनवरी फ्रॉम द साइक्लोनिक डिप्रेशंस इन द नॉर्थन इंडिया। उत्तरी भारत में चक्रवाती औषादों से दिसंबर और जनवरी में कुछ वर्षा होती है। द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स मोस्ट ऑफ रेन्स इन दिस सीजन बिकॉज द winds blowing over the bay of Bengal peak of moisture before heating the coastal areas। तमिलनाडु के तट पर इस मौसम में सबसे अधिक बारिश होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बहने वाली हवाएं तटीय क्षेत्रों के टकराने से पहले नमी ले लेती है। The high mountain heavy snowfall, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। ओके, ये लेसन पूरा एक्सप्लेन हो चुका है, एक बार इसको आप खुद पढ़िएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा।